को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा आज प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर होंगे। आज पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन ने एक बार फिर मिसाली मुफाहमत का मुजाहरा किया और सेनेट में भी सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल का सत्र राय से मंजूर कर लिया गया। इससे पहले कल कौमी असेंबली ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किए थे। सेनेट में मंजूरी के बाद मुसल्ला अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी और उम्र की हद में कानून साजी का अमल अब मुकम्मल हो गया है। आज सेनेटर वलीद इकबाल ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 तरमीमी बिल्स पर कायमा कमेटी बराए दिफा की रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की। रिपोर्ट के बाद वजीर दिफा परवेज खटक ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स को ऐवान में शिकवार मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। Beg to move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, by taking into consideration at once. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. Those who are in favour of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I have it. The motion is adopted and the bill stands passed. आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्स की मंजूरी में हुकूमत का साथ दिया, जबकि जमात इस्लामी नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के अरकान ने एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट कर दिया। इस मौके पर सेनेटर सराजुल हक, अताउर रहमान, अब्दुल गफूर हैदरी और रजा रब्बानी ऐवान से गैर हाजिर रहे। आगे कैसा माहौल होगा इस पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर हमने ये भी देखा कि इस भरपूर मुफाहमत के बाद जिसमें ये सर्विसेज एक्ट मंजूर किया गया, एक और अहम पेशरफ हुई और वो ये कि नैब कानून में जो तब्दीली की जा रही है उस पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहली मरतबा बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए और ये मुज़ाकरात स्पीकर के चैम्बर में हुए हैं। तो एक अच्छी पेशरफ शुरू हो चुकी है, पार्लियामेंट में कानून साजी का अमल आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। आगे हम कैसा माहौल देखेंगे इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। सर, सबसे पहले तो ये फरमाएं कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जो ये पूरा अमल होना था सर्विसेज एक्ट में तरमीम का, ये अब मुकम्मल हो चुका है? हो चुका है, सिर्फ सदर मुमलिकत का इसके ऊपर पार्लियामेंट, जैसा कि आपको मालूम है सदर मुमलिकत और दो ऐवानों के ऊपर मुश्तमिल इदारा है। सो अब जो पार्लियामेंट के दो इदारे हैं उन्होंने ये साइन कर दिया है और अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब इसको साइन कर देंगे तो ये बिल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और जो कंप्लाई विद करना था, बात की थी, उन्होंने कर लिया। नॉट विद द स्टैंडिंग, जैसा कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी और पहले भी अर्ज़ किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें कई कानूनी हुक्म हैं और ये हुक्म भी है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दे सकती कि ये काम करें या ये काम ना करें, लेकिन समासवा इसके कि वो आइन की इंटरप्रटेशन का मामला हो, तो इसलिए जो ये फैसला था उसके कानूनी हुक्म अपनी जगह, लेकिन जो एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, जो एक यकीनियत की ज़रूरत थी पाकिस्तान की फ़ौज के मामलात को लेकर के, जो बाकी मामलात को लेकर, उसके मद्देनज़र जो है इसको बिल को पास किया गया। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फरमा चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत थी उनको इस बिल में नज़रअंदाज भी किया गया है, आपको लगता है ऐसा हुआ है? नहीं, ना सिर्फ ये कि बिलावल भुट्टो साहब ने पूरे बिल का और पीपल्स पार्टी ने पूरे बिल का जायज़ा लिया, बल्कि पीपल्स पार्टी ने कमेटीज़ में भी और फिर ऐवान में भी इस बिल को मुकम्मल तौर के ऊपर सपोर्ट किया,
हमायत की, और जाहिर है कि उन्होंने तभी हमायत की जब उन्होंने कानूनी तौर के ऊपर वो मुतमईन हो गए कि जो डायरेक्शंस हैं वो कंप्लाई विद की गई हैं। और कल हमने सुना वज़ीर कानून फारूक नसीम साहब को, उन्होंने फरमाया कि रिव्यू पटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत में दायर की थी, कानून बन जाने के बाद भी वो रिव्यू पटिशन अपनी जगह बरकरार रहेगी। सर, इसकी क्या ज़रूरत है? वो फ़रोग नसीम साहब उस बारे में बेहतर बता सकते हैं या अटॉर्नी जनरल साहब बेहतर बता सकते हैं। अच्छा सर, आज एक तो ये ख़ुद एक अपने अंदर एक तारीखी वाक़िया है कि जब से आपकी हुकूमत आई है पहली मरतबा इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ कोई कानून में तरमीम हुई है, कोई बिल पास हुआ है। साथ साथ नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन बाकायदा मुज़ाकरात कर रहे हैं, आमने सामने बैठ गए, तो हम अच्छी उम्मीद रखें आने वाले वक्तों में कि अब कानून साजी का अमल मुफाहमत के साथ आगे बढ़ेगा? पहली बात तो यह है कि ये पहला मौका नहीं है, दूसरी दफ़ा इस तरह से हुकूमत और अपोजिशन में कंसेंसस हुआ। पहला मौका था जब, आपको याद होगा कि जब फाटा में प्रोवेंशियल असम्बलीज़ का इलेक्शन दरपेश था और जो सीटें बढ़ाने का मामला था वहाँ पर भी अच्छा कंसेंसस जो है डेवलप हुआ था। और लेकिन इस बारे में फ़र्क इस बार यकीनन ये है कि इस इत्तफाक़ी राय को आगे बढ़ाया गया है, और जिस तरह से आपने जिक्र किया आज असम्बली में प्राइम मिनिस्टर स्पीकर साहब की चैम्बर में बड़ी अच्छी मुलाकात रही हकूमती कमेटी की और जो अपोजिशन कमेटीज़ हैं उनकी, उसमें पांच जो कवानीन हैं उनके ऊपर तो इत्तफाक़ राय किया गया, जिसमें ये ख़वातीन का जो सक्सेशन एक्ट है उसमें तब्दीली है, फिर सिविल प्रोसीजर एक्ट में जो है वो तब्दीली की बात है, इसी तरह से मुफाद आमा के तीन चार जो कवानीन हैं जो आर्डिनेंस की शक्ल में हुकूमत ने नाफज किए हैं उसका तरीक़ाकार तय किया गया है कि उसको किस तरह से हम एक मुत्तफ़िका कवानीन के तौर के ऊपर लाएँ। तो पहली कामयाबी तो ये हुई है। कुछ बिल जिनके ऊपर गुफ्तगू की ज़रूरत है, जिसमें नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट का ताल्लुक है और नैब का जो पूरा तरीक़ाकार है उसमें तरमीम का ताल्लुक है, और फिर बेनामी ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक जो मामला है उसके ऊपर जो ताल्लुक़ है, इनके ऊपर आज फॉर्मल गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनके ऊपर भी एक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बातचीत हुई है और ये बिल्कुल तय किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के नाम मुत्तफिका नाम जो है वो भी इस हफ्ते सोमवार को ये कमेटी मिलेगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सोमवार को ही या ज़्यादा से ज़्यादा मंगल बुध तक इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशनर और मेम्बरान का तकरर जो है उनके नामों की मंजूरी हो जाएगी। सर, ये जो मसाइली मुफाहमत हमने देखी, इस पर जब अपोजिशन के लोगों से बात की तो बहुत से लोगों का कहना था कि आगे इसी मुफाहमत को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत को अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी, बेहतर ताल्लुकात कायम करने होंगे, कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ना होगा, तो हुकूमत की तरफ ये सेंस मौजूद है, ये इस बात की ज़रूरत आप महसूस कर रही कि अपोजिशन के साथ चलने के लिए हमें अपने रवैये में कुछ तब्दीली लानी हो? हम केसेस विदड्रॉ नहीं कर सकते, बेईमानी के करप्शन के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसके अलावा जो भी अपोजिशन को तआवुन चाहिए वो तआवुन हम करने को तैयार हैं, एहतसाब के तरीक़ाकार के ऊपर बात करने को तैयार है, एहतसाब के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है और उसके ऊपर ये इलेक्शन जो हुआ है ये अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हुआ है, लिहाजा अगर अपोजिशन ये समझती है कि जो तमाम तर उनके रवैये हैं वो एहतसाब के अमल से पीछे हटने का नाम होगा वो नहीं हो सकता। इन तमाम मामलों पर, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला हो या नैब कवानीन का मामला हो, आइन में और ये नॉर्म्स रहा है कि कायदे ऐवान और कायदे हिजब इख्तलाफ बाज़ाब्ता बातचीत करते हैं, मिलते हैं, क्या ऐसा माहौल हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब साथ बैठे हैं बातचीत करें? जब पहला दिन था नेशनल असम्बली का तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही गए थे, शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने हाथ भी मिलाया था और शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि जो कमेटी आप बनाना चाहते हैं इलेक्शन प्रोब करने के लिए वो हम पहले दिन बनाने को तैयार हैं। ये काम करने के लिए पीटीआई को 4 साल लगे थे, तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की वो ग्रेशियस ऑफर उसी वक्त कबूल की जाती और एहतसाब के मामले को इतना पर्सनलाइज ना किया जाता और फिर उन्होंने अपने केसेस को सिर्फ छुड़वाने के मामलों के ऊपर तवज्जो ना देते और मुल्की मुफाद के ऊपर तवज्जो देते तो ये पहले ही काम हो सकता था। लेकिन बहरहाल
इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कंसेंसस आता है, कैसे बातें आगे। सर, जिस तरह इमरान खान साहब ने पहल की थी, इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नारा लगाया था, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, मगर बाद में मामला ये नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के मामले पर दो मरतबा शहबाज शरीफ साहब ख़त लिख चुके हैं वज़ीर आज़म को, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। नहीं, ये ऐसा तो दुरुस्त नहीं है जो पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था। उसके बाद जिस तरह से मैंने कहा कि जो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिक्स थी वो अपने केसेस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अब अपने केसेस से निकलें, मुल्क की बात करें, अवाम की बात करें, उसके ऊपर निगोशिएशंस भी हो सकती हैं, बातचीत भी हो सकती है, आगे भी बढ़ा जा सकता है। लेकिन जहाँ पर आप अपने ज़ाती मुकदमात में और ज़ाती मामलात के ऊपर हुकूमत को आप समझिए कि ब्लैकमेल करना चाहें या आप पीछे करना चाहें, वहाँ पे मसला आता है। अपोजिशन को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब इस मामले में बिल्कुल ओपन है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए यकीनन खुशी की बात है कि अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने पाकिस्तान को दुनिया के 10 बेहतरीन सियाहती ममालिक में शामिल किया है। हमने अब तक कितनी तैयारी की है, बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के लिए यकीनन खुशी की बात है कि अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने पाकिस्तान को दुनिया के 10 बेहतरीन सियाहती ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। फोर्ब्स का कहना है कि बरतानवी शाही जोड़े के हालिया दौरे से पाकिस्तान सयाहों के लिए पुरकशिश मुकाम बन गया है। पाकिस्तान में किले, मस्जिद और खूबसूरत मकामात के लिए पुरकशिश शहर लाहौर है। पाकिस्तान में 4000 साल कदीम दरियाए सिंध की तहजीब है। अमरीकी जरीदे का कहना है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाके नाकाबिले यकीन मनाजिर पेश करते हैं, जहां 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। पाकिस्तान ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और सकाफती सियाहत के लिए बेहतरीन है। एडवेंचर ट्रैवल कंपनी वाइल्ड फ्रंटियर्स ने भी पाकिस्तान को सियाहत, खास तौर पर एडवेंचर ट्रैवल के लिए ज़बरदस्त डेस्टिनेशन करार दिया है। इसके अलावा इस साल पाकिस्तान सियाहत के लिए कॉन्डिनेंस ट्रेवलर लिस्ट में भी पहले नंबर पर था। यही नहीं बल्कि ब्रिटिश बैकपैक सोसाइटी ने भी पाकिस्तान को पिछले साल सियाहत के लिए बेहतरीन जगह करार दिया था। यकीनन हम सब ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में किस कदर खूबसूरत और हसीन नज़ारे मौजूद हैं, और खुशी की बात यह भी है कि अब दुनिया की नज़रें भी इस तरफ हैं, और ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हम बता सकें कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। और इसमें यकीनी तौर पर पीटीआई की मौजूदा हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जिन्होंने हुकूमत में आते ही सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया था। और साल के पहले ही दिन, इस साल पहले दिन उन्होंने फिर एक मरतबा सियाहत के हवाले से अपने अज़्म का इजहार किया और बताया कि इस साल सियाहत के शुबे में खासी आसामियाँ पैदा होंगी। टूरिज़म का पोटेंशल जो सबसे ज़्यादा जल्दी इंशाल्लाह, ये जो हमारा ये जो आने वाला साल है जिसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, खुशहाली जिसके ऊपर बेस कर रहे हैं हम, नंबर वन टूरिज्म। पाकिस्तान की आपको अंदाज़ा नहीं है कि 2017 और 18 के बीच में दुगनी हो गई हमारी टूरिज्म एक साल के अंदर। जैसे जैसे हमारी सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, टूरिज्म का पोटेंशियल दुनिया अब रिकग्नाइज कर रही है। बहुत पोटेंशियल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हम खुद कितने तैयार हैं और हमने अब तक क्या तैयारी की है, बात करेंगे। आतिफ खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, खैबर पख्तूनख्वा के टूरिज्म वज़ीर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला। सर, हम खुद कितने तैयार हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है, लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कितनी नई डेस्टिनेशन हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं और उन्हें मॉडिफाई किया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले जिस तरह आपने खुद ही जिक्र किया कि पहला जो मसला था सबसे बड़ा वो लॉ एंड ऑर्डर का था, सिक्योरिटी का था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है, बेहतर हो गया है, मज़ीद बेहतर होगा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की परसेप्शन कि पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क,
और एक खूबसूरत मुल्क, अच्छे लोग, अच्छी सकाफत, खाने, म्यूज़िक, इसका एक लोगों को बताना था। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि मैगज़ीन्स में इंटरनेशनली उसको सराहा जा रहा है, तो वो दो मरहले तो हो गए। हमारा अभी तीसरे लेवल पे अगर फेडरल गवर्नमेंट का देख लें, उन्होंने वीज़ा में आसानी, या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमेशा ख़ुद प्रमोट करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और फिर तीसरे नंबर पे उसके बाद जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है खैबर पख्तूनख्वा की, क्योंकि ज़्यादातर इस इलाके में या ऊपर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमने अगर दो तीन बड़े मसले जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, एक है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का, कि जब तक रोड्स कनेक्टिविटी नहीं होगी टूरिज़्म नहीं बढ़ सकती। उसके लिए हमने एक तो स्वात मोटरवे फिर कंप्लीट हो गई है, ट्रैफिक शुरू हो गई है उस पर, फिर कलाम की जो रोड थी वो पिछले 10 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह दूसरी साइड पे जो हज़ारा मोटरवे है वो कंप्लीट हो गई है, उससे आगे नारान का वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो हमारा बड़ा मसला था, हमारे पास डेस्टिनेशंस बहुत कम थी, जगह जाने की बहुत कम थी, यही नथिया गली, स्वात या कागान नारान, तो उससे बहुत ज़्यादा रश पड़ता था, वहाँ पे जगह नहीं थी हमारे पास। हमने इस वक्त 14 नई डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करके उसकी रोड्स के टेंडर कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि एक साल के अंदर अंदर उन 14 नई डेस्टिनेशंस को हम रोड्स का नेटवर्क दे सकें, तो वो जब नई जगह बनेंगी, खुलेंगी, सूबे को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन टूरिस्ट को भी बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी। रोड तो एक अहम चीज़ है कहीं पहुँचने के लिए, मगर उसके बाद उस जगह को मेंटेन रखना, वहाँ पर सफाई सुथराई बेहतर हो, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, वहाँ पर पुलिसिंग अच्छी हो, वहाँ पर लोग बाहर से आएँ तो उनको महसूस हो कि वो सहूलियात हैं जो वो अपने अपने ममालिक में इंजॉय करते हैं वो यहाँ पर उनको मिल रही हैं। तो इसके लिए एक बहुत जामे प्लान की ज़रूरत यकीनी तौर पर होगी, वो है आपके पास, है तो क्या है? एग्जैक्टली हमने पूरा एक इंटीग्रेटेड हमने एक प्लान बनाया है, और उसमें रोड तो जैसे मैंने बताया, रोड तो उसका सिर्फ एक कंपोनेंट है, बाकी सफाई का, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का, पूरी उसकी कैंपेन के, ये नहीं कि जी सिर्फ टूरिस्ट ने आके यहाँ पे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, लोकल्स का भी कि लोकल लोगों ने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, उसके लिए पूरी कैंपेन। फिर उसके अलावा टूरिज़्म पुलिस के लिए हमने तकरीबन कोई 40 करोड़ रुपए अप्रूव भी हो गए हैं, और इंशाल्लाह इस सीज़न के आने से पहले ऑन ग्राउंड होगी टूरिज़्म पुलिस। उसका काम क्या होगा? उसका वो तंग करने वाली पुलिस नहीं होगी कि वो टूरिस्ट को तंग करेगी, उसका मकसद वो उनकी अलग से ट्रेनिंग होगी, अलग से यूनिफॉर्म होगा, अपना इक्विपमेंट होगा। जिस बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब आतिफ खान साहब, वजीर सयाहत खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में बिलाशुबा टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल मौजूद है और हमें इसे अब इस्तेमाल भी करना है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अमेरिका की जानिब से ईरान के 52 अहम मकामात को निशाना बनाने और ईरान की जानिब से 32 अमरीकी मफादात को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकियां अमली शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। मशरिक़ वुस्ता और खलीज फारस में ईरान और अमरीका के मफादात पर जंग के बादल अब मंडला नहीं रहे बल्कि पूरी तरह छा चुके हैं। ईरान ने अपने फौजी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी पर कातलाना हमले के बदले की इब्तदा इराक के शहर अल असद और अराबील में अमरीका के दो फौजी अड्डों पर 22 ब्लास्टिक मिसाइल बरसाकर कर दी है। ईरान का दावा है कि उसके मिसाइल हमलों में 80 के करीब अमरीकी फौजी हलाक हुए जबकि अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और फौजी साजो सामान भी तबाह बर्बाद हो गया है। एक जानिब कल ईरान के शहर करमान में जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन की तैयारियां की जा रही थीं और दूसरी जानिब ईरानी अफवाज अपने अहदाफ को निशाना बनाने की तैयारियों में मगन थी। अमरीकी असासों पर हमला, 1979 में तेहरान में मौजूद अमरीकी सफारतखाने का मुहासरा करने के बाद से अब तक का ये ईरान का अमरीका के खिलाफ सबसे बड़ा बराह रास्त हमला है। दिलचस्प बात यह है कि इराकी वजीर आजम हाउस से जारी बयान में तस्दीक की गई कि ईरान ने इराकी सरजमीन पर अमरीकी फौजियों पर मिसाइल हमले से पहले बाजाब्ता पैगाम भेजा था।
काबिल गौर बात यह है कि अमरीका की जानिब से जिस दीदा दिलेरी के साथ जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल की गई थी, ईरान ने भी इसी तरह अलल ऐलान इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का कहना है कि गुज़िश्ता शब ईरान ने अमरीका को बहुत करारा तमाचा रसीद किया, मगर ये काफ़ी नहीं क्योंकि अभी खित्ते से अमरीका के नापाक वजूद को ख़त्म करना होगा। इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों के तनाजुर में अब से कुछ देर पहले अपनी इंतजामिया के आला उहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के हमले में कोई अमरीकी जख्मी नहीं हुआ। अमरीका के अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बेहतरीन काम किया। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शन का जायजा ले रहा है। उनका कहना था कि अमरीकी अफवाज किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने बावर कराया कि अमरीका ईरान पर नई सख्त से सख्त पाबंदियां लगाएगा। मिसाइलों के निशाना बनने वाले अल असद और अराबील एयर बेसिस इराक में अमरीकी और इत्तेहादी फौजियों के अहम तरीन फौजी अड्डों में शुमार होते हैं। अल असद बेस इतना बड़ा फौजी अड्डा है कि इसमें सिनेमा, स्विमिंग पूल, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और फौजी बसों और बख्तरमंद गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए अलहदा अलहदा रास्ते हैं। हमले का निशाना बनने वाला दूसरा फौजी अड्डा अराबील में वाक़ है। ये शहर इराकी सूबे किर्दिस्तान का दारुल हुकूमत है। सितंबर में पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अराबील में 3,500 से जायद इत्तेहादी फौजी और सिविलियन एहलकार मौजूद हैं जिनका ताल्लुक 13 मुख्तलिफ मुल्कों से है। पिछले 24 घंटों से पूरी दुनिया का मीडिया अमरीका के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई की नशरियात चला रहा है, जिसमें फरीकैन को सब्र तहमुल और इफाफुल तफहीम से काम लेने के साथ मुस्तकबिल के खतरनाक अहदाफ की जानिब तबसरे किए जा रहे हैं। पाजरानी इनकलाब ने इराक में अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल फौजी अड्डों पर हमलों के बाद बयान जारी किया है और कहा है कि जो ममालिक अमरीकी फौज को अपने फौजी अड्डे देते हैं, हम अमरीका के तमाम इत्तेहादियों को खबरदार करते हैं कि अगर कोई भी इलाका किसी भी तरीके से ईरान के खिलाफ जारहाना इकदाम के आगाज का मुकाम बना तो उसे निशाना बनाया जाएगा। जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इस वक्त ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की पहुँच में मशरक वस्ती और खलीज फारस के अतराफ 50,000 से जायद अमरीकी फौजी मुख्तलिफ मुल्कों के फौजी अड्डों में तैनात हैं, जिनमें कुवैत में 13,000, अफगानिस्तान में 12,000, कतर में 10,000, बहरीन में 7,000, अरब इमारात और इराक में तकरीबन 5,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ का कहना है कि अब अमरीका को अपने होश व हवास में आना होगा। ईरानी आवाम के इंसानी समंदर को देख कर अमरीकी होश के नाखून ली। जवाद जरीफ ने मुतनब्बे किया कि अगर अमरीका ने मजीद एक्शन लिया तो फिर ईरान इसका नहायत सख्त जवाब देगा। तरीन पेशरफ यह है कि पाकिस्तान ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में भरपूर किरदार अदा करने की ठान ली है। वजीर आजम इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट की कि उन्होंने हिदायत की है कि वजीर खारजा ईरान, सऊदी अरब और अमरीका जाकर इन ममालिक के वज़राए खारजा से मिलें, जबकि आर्मी चीफ मुतालिका अस्करी कायदीन से रवाबित कायम करें और वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है मगर दोबारा किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। इसी तनाजुर में आर्मी चीफ ने आज चीन के और ईरान के सफीरों से मुलाकात की है और ईरान अमरीका कशीदगी पर बातचीत की गई है। दूसरी जानब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी सेक्रेटरी दिफा मार्क एस्पर को भी पाकिस्तान की खित्ते में जो कशीदा सूरत हाल है उसमें अपना जो किरदार अदा किया जा सकता है उस अज़्म के हवाले से उनको बावर कराया कि पाकिस्तान अमन चाहता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि अमरीका खित्ते में कोई तनाज़ा नहीं चाहता, लेकिन जवाब ज़रूरी हुआ तो अमरीका भरपूर कुव्वत से जवाब देगा। आर्मी चीफ ने अमरीकी सेक्रेटरी दिफा से कहा कि हम मौजूदा कशीदगी में कमी के ख्वाहां हैं और खित्ते में क़याम अम के हर कदम की मुकम्मल हिमायत करेंगे। आर्मी चीफ ने फरीकैन पर जज्बाती फैसलों के बजाय सिफारती तरीक़ाकार अपनाने पर जोर दिया और कहा कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़कर खित्ते में अम के लिए बहुत काम किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यह भी कहना था कि हम अफगान अमन अमल की कामयाबी के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे ताकि ये अमन अमल जो है ये ख़राब ना हो, पटरी से ना उतरे और खित्ते में नए तनाज़ात के बजाय मौजूदा तनाज़े के हल की तरफ ही बढ़ा जाए। अमरीका और ईरान की इंतहाई कशीदा सूरत हाल में अब अगर चीन, रूस, फ्रांस और बरतानिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की जिम्मेदारियाँ
अदा ना की और इस जिम्मेदारी का एहसास ना करते हुए सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास ना बुलाया और खित्ते में खौफनाक जंग के खतरे को ना टाला तो शायद आलमी अम को शदीद खतरात लाहक होंगे और इस अम की जो कोशिशें हैं उसमें इसे गफलत तसव्वुर किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर ईरान के इन हमलों के बाद जो उसने फौजी अड्डों पर किए हैं अमरीका के, आप गल्फ की सिक्योरिटी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए गल्फ़ की सिचुएशन पे मैं बात करूंगा और इसके मुख्तलिफ जाविये हैं इंक्लूडिंग जो उसके पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट है, अगर आप अलहदा पूछ लें तो और बात है। अभी हम गल्फ़ पे आ जाते हैं। आप क्लेम जो मर्जी कोई करे, एक बात तो क्लियर है, ये मटेरियल है कि अमेरिकन कह रहे हैं जी एक भी बंदा नहीं मरा, मरा है या नहीं, एक बात तो क्लियर हो गई कि अमेरिकन वो साबित कर दिया ईरान ने, वो तो कल परसों पता चल जाएगा। अगर अमेरिकन नहीं तो इराकी मरे, कोई तो मरे होंगे ना, मिसाइल हैं कोई, वो गुलदस्ते तो नहीं फेंक रहे थे, तो कुछ ना कुछ बंदे तो वहाँ गए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि अमेरिकन 80 मरे हैं 8 मरे हैं, ईरान क्या क्लेम कर रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर के अड्डों पर ईरान के पास कैपेसिटी है टू लॉन्च लॉन्ग डिस्टेंस बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। जो लोग समझने वाले हैं उसकी अहमियत समझते हैं और इससे सारे खित्ते में एक बड़ा मजबूत मैसेज जाएगा जिसके दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि पॉजिटिव हो और वो ये कि हमारे यूरोप भाई हैं वो भी ये देखें कि बेहतर है कि हम आपस में मिल के मसाइल हल करें, ईरान पाकिस्तान और ये जो सऊदी अरब इमारात तुर्की, उसकी वजह है कि सबसे ज़्यादा खमियाजा हम भुगतेंगे। तो अगर तो इसका नतीजा ये निकलता है कि सबको पता चल जाए कि जनाब ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, इराक में तो असर जो ऑलरेडी होना था हो गया, आज तो बहुत से फॉरेन पॉलिसी भी लिखने वाले ये लिख रहे हैं, आज मैंने कई मजामीन देखे हैं कि जो जनरल कासिम सुलेमानी ज़िंदगी में हासिल ना कर सके वो उन्होंने शहादत के बाद कर लिया। और ये अमेरिकन्स कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े मैगजीन्स में लिख रहा है। क्या उनका मकसद था? उनका मकसद ये था कि ईरान से इराक से अमेरिका को फारिग किया जाए और एक सिग्नल भेजा जाए बाकी इलाकों में कि भाई अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे। अब इस मैसेज ने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि अब मैं तो यहाँ तक कहने को दानिशमंदी पे ईरान की मैं हैरान हूँ कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जिस किस्म का लब व लहजा यूनाइटेड नेशंस चार्टर के बाकायदा उन्होंने आर्टिकल्स का रेफरेंस दिया राइट टू सेल्फ डिफेंस में, बजाय आग बगोला हो के इधर उधर की बातें करने के, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमने राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज। ठीक है सर, ये तो एक्शन ईरान ने लिया। अगर मेरी क्या दुआ है कि इससे मामला ना बढ़े, कि एक तरफ तो ईरान ने एक स्टेप उठा लिया, अब तवक्कुई की जा रही है कि अमेरिका इसका कोई जवाब देगा। इससे तो खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं और बड़ा कभी ये खतरा मौजूद है कि यहाँ जंग हो सकती है। कौन से डिप्लोमेटिक चैनल हैं पाकिस्तान पे, मैं बाद में आऊँगा, दुनिया की क्या कोशिशें हो सकती हैं, कौन कौन से मुल्क कौन से डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल हो सकते हैं कि इस जंग के खतरे को टाला जा सके? पहली बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर यूएन क्यों बना था? इसलिए बना था ना कि लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई थी। लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हुई थी, वो तमाम उन्होंने हिस्ट्री देखी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कुछ हुआ, अब उसको रखते हुए यूएन चार्टर बना था। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो परमानेंट मेंबर्स की है, उसमें बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका तो खुद है। अब जहाँ तक बरतानिया और फ्रांस का है, मैंने बड़े इंटरेस्टिंगली उनके स्टेटमेंट्स देखे हैं, हालांकि जॉनसन साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं बरतानिया के, वो ये समझे जाते हैं कि कलीदी इत्तेहादी हैं अमेरिका के, लेकिन उन्होंने अब फ्रांस और चांसलर मर्कल ने मिलकर बयान दिया है जिसने उन्होंने कहा, यानी उन्होंने अमेरिका की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका ठीक है ईरान गलत है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब इस एरिया इस सिचुएशन को कूल किया जाए। ठीक है जर्मनी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं, लेकिन उसकी बहुत अहम पोजीशन है, यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है, इकोनॉमिक ताकत,
तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है इसकी अहमियत है, लेकिन जैसे आपने कहा मेरी यही ख्वाहिश है, एक तो यूएन चार्टर के मुताबिक परमानेंट मेंबर्स को चाहिए, फिर 15 मेंबर्स, 10 उसमें से नॉन परमानेंट होते हैं, एक को परमानेंट मेंबर्स ही की प्रेरोगेटिव नहीं है, वो कोई तीन चार दो बंदे मिल, दो मुल्क मिलकर कहें जनाब हमारे तो अपना अमन खत्म में लग गया दाव पे, ठीक। तो एक तो यूएन को रोल अदा करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यूरोपियन यूनियन को अदा करना चाहिए। क्यों अदा करना चाहिए? कि यूरोपियन यूनियन के अहम तरीन ममालिक JCPO जो माहिदा था ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का, उसके वो सिग्नेटरी हैं, और उनको चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप को याद कराएं कि प्रेसिडेंट ओबामा के साथ मिलके हमने ये अग्रीमेंट किया, आप निकल गए हैं। अब ईरान ने कह दिया है कि जी हम तो अब नहीं कमिटेड हैं, ठीक सर, एक तो यूएन को उनकी दानिश अपना किरदार अदा करना चाहिए, गुस्से में उन्होंने कह दिया हम अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसमें इमरान खान साहब ने ट्वीट की है और उन्होंने उसमें बताया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को हिदायत की है कि वो अमेरिका जाएं, ईरान जाएं, सऊदी अरब जाएं और अम के हवाले से अपना पैगाम दें। इसी तरह से आर्मी चीफ मिलिट्री लीडर से बातचीत करेंगे, उनसे रबते करेंगे और पाकिस्तान का अम का पैगाम देंगे। पाकिस्तान क्या कर सकता है इस तमाम सूरत हाल में? पहली बात यह कि पाकिस्तान अपने मफाद देख लेना जी। पाकिस्तान का मफाद यह है कि हमारे जंग वहाँ हो रही है, हमारे मुल्क में तूफान ना ना आए, इसलिए हमारे मुल्क, और हमने देखा है माजी में बदकिस्मती से सारे मिडल ईस्ट में ये जो फिरकावारियत है, पाकिस्तान नहीं मुतहम्मल हो सकता। कई लोग कहते हैं, सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ओवररीच ना करे क्योंकि पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है, और वो कहते हैं जी कुआलालंपुर में हमने देख लिया कि कमज़ोर मईशत का क्या असर होता है, लेकिन एक चीज़ मत बोलें कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ठीक है, इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग अनफॉर्चुनेटली क्राइसिस से गुजर रहा है, IMF के हम और UAE और सऊदी अरब चाइना, उन्होंने हम पे बहुत एहसानात किए हैं, लेकिन एक चीज़ मत भूलें, पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे पत्ते हैं जो दुनिया के किसी इस इलाके मुल्क के नहीं हैं। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हम दुनिया का सारा ऑयल जो इस खत्ते में है कम अज़ कम यूज़ होता है, वो जो चाहे सेंट्रल एशिया में हो या गल्फ में हो, पाकिस्तान की कलीदी हैसियत है। पाकिस्तान की वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, दुनिया की पांचवीं छठी बैटल हार्डन्ड आर्मी। कोई तो वजह है कि पोम्पियो साहब ने रिंग किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान को, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को तो उन्होंने रिंग किया, क्या वजह? वजह बड़ी वाजह है कि हालांकि हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान से डबल है कम अज कम, लेकिन उसका रोल कुछ नहीं इस इलाके में। पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक रोल है, चाहे ईरान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे अफगानिस्तान हो, बल्कि हिंदुस्तान में आजकल बहुत हार्ड बर्निंग हो रही है। मैं इंडिया के मीडिया को आज देख रहा था, उनका जी ये जो मोदी साहब इतने दावे कर रहे थे कि वो उनका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाय है, तो उन्होंने तो फ़ोन भी नहीं किया इनको बाद में, बल्कि खिफत मिटाने के लिए उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद फ़ोन कर दिया उनको, और लेवल करने के लिए के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान को भी कर दिया। तो पाकिस्तान की एक अहमियत है, इन अदर वर्ड्स वी हैव डिप्लोमेटिक क्लाउट, लेकिन डिप्लोमेटिक क्लाउट में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, डिप्लोमेसी में कोई स्कोप नहीं है फॉर बीइंग अ बुल इन अ चाइना शॉप, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, सोच समझ के और पसे पर्दा रह के हमें अपना रोल अदा करना है, और हो सकता है वो कर रहे हों, ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल है वेस्ट के साथ भी, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर एक तरफ तो पाकिस्तान का मौकफ बहुत वाजह है अब कि पाकिस्तान को अपनी भरपूर कोशिशें करनी हैं अमन के लिए किरदार अदा करना है, और दो टोक पैगाम दे दिया है पाकिस्तान ने कि हम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। खित्ते की जो सूरत हाल है, अगर अमेरिका की जानिब से जवाब दिया जाता है ईरान को, पाकिस्तान के लिए कैसे मुमकिन होगा कि वो अपने आप को दूर रखे, डिस्टेंस रखे? देखिए उसके बावजूद डिपेंड करता है कि अमरीका जब जवाब देता है ईरान को, अगर देता है, मफरूज़ा है अगर देता है, तो किस नौयत का देता है, कहाँ पे देता है, और क्या वो ईरान के लिए एक नई जंग का पेश खैमा बनेगा, या ईरान उसको टिट फॉर टैट के तौर पे दोबारा उसी किस्म का एक और जवाब देगा।
हमें ये याद रखना है कि अमेरिका और ईरान के मामलात टिट फॉर टैट वाले जो मामलात हैं ये काफ़ी अरसे से इस हमारे खत्ते में चल रहे हैं, वो लेबनान से लेके यमन तक फैले हुए हैं और ख़ास तौर पर इराक में मामला काफ़ी संगीन रहा है काफ़ी कुछ अरसे के लिए। और वहीं पर जब ये एम्बेसी पे अमरीकी एम्बेसी पर एक हमला हुआ और उसको रैनसैक किया गया तो उसके बाद अमरीका ने जनरल कासिम सुलेमानी की को एक ड्रोन अटैक में मारा तो उससे ये मामला ज़्यादा ख़राब हुए। तो अब ये दोनों मुल्क क्या अपने तौर पर एक तीसरे मुल्क में जिस तरीके से इराक में आज सुबह हमला हुआ, इराक में ही जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया, तो क्या ये वहीं पे उसी थिएटर के अंदर रहते हुए अपने मामला एक दूसरे के साथ निपटाएंगे, खामोश हो जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ जो हुआ उसको छोड़ देना चाहिए, आगे बेहतरी की तरफ चला जाए, या ये कि अगर ये मुकम्मल जंग भी चाहते हैं एक दूसरे के साथ तो ये क्या ईरान अमेरिका की अफवाज पे हमला करेगा जो कि इराक से बाहर हैं, या और अमेरिका उसके जवाब में ईरान के कुछ ठिकानों पे हमला करेगा, वो एक ईरान और अमेरिका के दरमियान में जंग होगी। बेशक उसकी गरमाइश उसकी तपिश पाकिस्तान को महसूस होगी क्योंकि हमारा बॉर्डर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उसमें उलझना पड़ेगा या हमें किसी किस्म की शमूलियत अख्तियार करनी पड़ेगी। उसके लिए जो ज़रूरी बात है, ज़रूरी बात ये करनी है हमें कि ये हम किसी तरीके से सऊदी अरब और यूएई जो कि पहले ही इस तरफ माइल हैं उनको ये बिल्कुल बावर भी करा देना चाहिए और उनको मालूम भी होना चाहिए कि अगर वो बराह रास्त किसी तरीके से अमेरिका की जंग में शामिल होते हैं तो फिर ये जंग फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर उससे पाकिस्तान से तवक्कात सऊदी अरेबिया की यूएई की बढ़ जाती हैं और पाकिस्तान को फिर इन दो तीन ममालिक के अंदर और तकरीबन पाकिस्तान के इर्द गिर्द ये जंग हो रही होगी, फिर मुश्किलात ज़्यादा होने की ज़रूरत है होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन सऊदी अरब का जो अभी तक का रवैया रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है, उन्होंने इराक का साथ दिया है, उन्होंने अमरीका के अटैक को कंडेम किया है और लगता यूँ है कि यूएई और सऊदी अरेबिया बड़े वाजे तौर पर समझते हैं कि वो इस तरह की किसी अमरीकी काविश का हिस्सा ना बने। तक सर ये तो अब ये है कि आगे क्या होगा और उससे पाकिस्तान को क्या करना होगा, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, ईरानी हमले अमरीकी फौजी अड्डों पर बराह रास्त हमले, ये अमरीका के लिए एक सरप्राइज है? बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं है, मेरा ख्याल है वो इसकी तवक्को कर रहे थे, यही मुमकिन यही पॉसिबिलिटी थी। देखिए अमेरिका की जो है ना इंटेलिजेंस वो यकीन मानिए मेरा अपना ख्याल ये है कि बे इंतहा पेनिट्रेटेड है इनटू द सिस्टम जहाँ जहाँ पे उनके मकासद होते हैं और वहाँ पे एक तो उनको अंदाज़ा होता है, दूसरा एक जजमेंट कर लेना। हम काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं जब से ये मामला हुआ है 3-4 दिन से कि ये जंग कभी भी बहुत बड़ी जंग नहीं बनेगी, उसकी वजह ये है कि ईरान को बहुत कुछ लूज़ करना है। देखिए ईरान ने बगैर सिवाय ईरान इराक वॉर जो 1980 से लेके 88 तक हुई कभी भी किसी इंटरस्टेट वॉर का ईरान हिस्सा नहीं रहा, और बगैर किसी जंग के अंदर गए हुए ईरान ने हासिल क्या किया, लेबनान से लेके यमन तक का इन्फ्लुएंस, यानी जो कुछ था वो ईरान से बाहर था। तो ईरान कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कि जंग उसके अपने घर में आ जाए, और जितने गेंस उसके शाम में हुए, इराक में हुए, लेबनान में हुए, यमन में हुए, वो सिर्फ अपने अंदर जंग इनवाइट करके वो तमाम के तमाम फायदे भी लूज़ कर दे, वो जो उसने स्ट्रेटेजिक फायदे हासिल किए इन 4-5 जगहों पे और साथ ही साथ अपना नुकसान भी कर डाले। तो मेरा ख्याल है रैशनैलिटी ईरान की तरफ से ज़्यादा दिखाई गई है और उन्होंने ऐलान भी किया आज के हमलों के बाद कि हमने अपना बदला चुका दिया। तो मेरा ख्याल है कि मामलात अमरीका की तरफ से भी रहेंगे, अमरीका भी अमरीकी सदर का भी बयान सामने आ चुका है, वो ये कहते हैं कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई अमरीकी इसमें नहीं मारा गया, कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वाकई मामला किसी बड़ी जंग की तरफ नहीं जा रहे। जी अब जबकि अमरीकी सदर की ये बात कह चुके और कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में अगला जुमला उनका ये भी होगा साथ ही कि वो ईरान को एक ऑलिव लीफ देंगे, एक अमन का छोटा सा पैगाम भी साथ शामिल कर लेंगे, उसकी शरायत के होंगी और शरायत ये होंगी कि हम के वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर दोबारा बात की जाए अमेरिका के साथ, और साथ ही साथ जो मिसाइल का उनका जो रिजीम है उसके ऊपर बात की जाए, मिसाइल कंट्रोल रिजीम के ऊपर। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं ईरान की आजकल के ईरान आजकल की रिजीम के साथ, ईरान में जो रिजीम है उसके साथ। वो बाद में जाके कभी बाद में देखेंगे कि रिजीम चेंज पॉसिबल भी है या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल
ट्रंप का और अमेरिका का जो मकता नज़र है वो ये है कि ईरान को किसी तरीके से काबू में लाया जाए और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर कोई ना कोई कदगन लगाई जाए। तो मेरा ख्याल है जो जो ऑलिव ब्रांच आएगी उसके साथ ये भी साथ शामिल हो जाएगा। मगर सर ये खुद कितनी बड़ी बात है कि 22 मिसाइल दागे गए हैं, कोई फूल के गुलदस्ते तो फेंके नहीं गए, और उस पर अमेरिका की तरफ से बयान आना कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई माली बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये कितना हकीकत पसंदाना बयान है? देखिए मेरा ख्याल है हकीकत पसंदाना इस तरीके से है कि अगर नुकसान हुआ भी है तो अमेरिका उसको हज़म करने के लिए तैयार है, यानी उसको पता था कि उसने किस नौयत का और कितना बड़ा नुकसान किया है ईरान का, और उसका जो जवाब है वो किसी भी शक्ल में कहीं पे भी दिया जा सकता था ईरान की तरफ से। लेकिन ईरान ने भी बड़ा ही एक कैलिब्रेटेड प्रोपोर्शनल उसका जवाब दिया है और प्रोपोर्शनेट फोर्स के साथ दिया है, तो उसके हिसाब से मेरा ख्याल है कि और उसको इस तरीके का दिया है कि अमेरिका के लिए भी हजम करना आसान हो जाए उस चीज़ को। तो जब ये अमेरिकी सदर कह रहे हैं तो उसमें कुछ अगर उनके नुकसान हुए भी हैं, कम हुए होंगे, लेकिन अगर कुछ हुए भी हैं तो जाहिर है कि वो इतने हैं कि वो अपनी कौम को ये दिलासा दे रहे हैं कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि ईरान समझ रहा है कि उन्होंने उनका नुकसान करके उनका जवाब दे दिया। मेरा ख्याल है इसको बात को गालिबन अमन की तरफ, दोनों साइड्स चाहती हैं कि कोई ना कोई अमन का रास्ता निकल जाए यहाँ से और बात आगे जंग की तरफ ना जाए। मगर सर जैसे अमेरिका के लिए सरप्राइज था, बाकी लोगों के लिए भी शायद सर आप कहते हैं कि सरप्राइज नहीं था, उनको पता था कि ये हमला होगा ईरान की तरफ से, मगर दुनिया की सबसे बड़ी पावर के ऊपर हमला कर देना ईरान का, खित्ते में जो बालादस्ती है अमेरिका की, उसके लिए ये कैसा है, मुस्तकबिल में इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो अमेरिका पे हमला हुआ। देखिए इराक के दो बेसिस पे हमला हुआ और ये अजीब सी एक जंग है जिसके अंदर के जो डिनाइबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स नहीं जाएंगे जो देखें बताएंगे कि अमेरिका का अगर नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि हर एक के लिए कोई ना कोई एस्केप है यहाँ पे। ईरान पे हमला नहीं हुआ, इराक पे हमला हुआ, जबकि दोनों तरफ से, एक में कासिम सुलेमानी को मारा गया, दूसरे में उनके इराक के दो बेसिस के ऊपर हमले हुए, तो इराकी बेसिस पे हमले हुए, वहाँ पर अमरीकी अफवाज भी थी लेकिन इराकी बेसिस थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कोई इतना डायरेक्ट इंटरस्टेट इंगेजमेंट नहीं हो रही है, वॉर नहीं हो रही है, और इन्होंने एक तरह से प्रॉक्सी अटैक्स और प्रॉक्सी निज़ाम के तहत एक दूसरे अपनी अपने जो है ना उसको पैगाम देने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है कि ये उसकी बुनियादी वजह ही है कि ये तो अमेरिका अपनी अफवाज में अभी भी कायम है, बहरीन में उसकी अफवाज हैं, गल्फ में उसके बहरी बेड़े हैं, और उसके बाद कतर है, उसके बाद यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, उसके पास इजिप्ट है। तो मेरा अपना ख्याल है कि कभी किसी उसके पास कमी नहीं है फोर्सेस की इन दिस रीजन, और ईरान जानता है कि वो जो कुछ उस गेन किया है उसने, अगर उस जंग में घुस जाएगा तो फिर इस किस्म का रिप्रेजल अमेरिका से आ सकता है कि जो ईरान ऑब्वियसली उस लेवल की फोर्स नहीं है, उस लेवल की वो है नहीं, बेशक जज्बात बे और वो लड़ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के इस बयान को कैसे देखते हैं कि इस रीजन में अमरीकी फुटप्रिंट्स को हम ख़त्म कर देंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए उनकी कोशिश है और उनकी कोशिश है, जब से अफगानिस्तान से अमेरिका ने जाने का कुछ सोचा है तो उसके बाद से एक उम्मीद पैदा हुई थी, और आपको पता है कि रिपोर्ट्स हैं पिछले 4-5-6 दिन की और उससे पहले की भी कि जो इराक में मामला चल रहा था वहाँ पर कोशिश ये थी कि वहाँ से अमरीकी अफवाज को बाहर किया जाए और उनकी अब ज़रूरत नहीं रही है, और वहाँ पर ईरान अपने कदम ज़्यादा जमा रहा था, और आपको पता है कि वहाँ पर एक इराकी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एक मुजाहरा हुआ, उसके अंदर ख्याल ये था कि वो अमरीका की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, उसके जवाब में फिर इराकी दूसरी जो साइड थी उन्होंने किया और फिर उनकी एम्बेसी पर हमला। तो ये काफ़ी देर से टग ऑफ वॉर चल रही है दोनों फोर्सेस के बीच में, कोशिश इनकी ये थी जो मेहदी अल मुहंदिस और कासिम सुलेमानी की अमेरिका को बावर कराया जाए कि अब आपकी इराक में जगह नहीं है, अब आप इराक को भी खाली कर दीजिए। अंदाज़ा लगाइए कि इराक, शाम और ईरान, ये तकरीबन तीनों के तीनों, और याद रखें लेबनान के अंदर भी जब साद हरीरी की हुकूमत ख़त्म की गई है तो वहाँ पर भी एक जो रिएक्शन था वो इट वॉज़ लेड बाय, उसके अंदर हिजबुल्ला की बहुत सपोर्ट थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ईरान ये देख रहा था जियो स्ट्रेटिजिक गेंस जो हैं, जो उसको फ़ायदे मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस तरीके से इसको हमें देखना चाहिए। तो वो उनकी कोशिश तो है कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए, लेकिन देखिए मैंने आपको 4-5 जगह बता दी, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, इजिप्ट,
तो यहाँ पर तो उनके मजबूत अड्डे मौजूद हैं, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको मजबूर कर सकता है वहाँ से निकलने से जब तक ये हुकूमतें तैयार हैं उनको रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब शहजाद चौधरी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे फेटफ की। दो हफ्ते का वक्त है, फेटफ में फैसला होना है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कानून साजी इस हवाले से होनी थी उसमें कई रुकावटें मौजूद हैं और हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है। बात करते हैं ब्रेक के। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जान छुड़ाने और ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान ने मालियाती जराइम और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं। पाकिस्तान ने एफएटीएफ के मतलूबा एक्शन प्लान से मुतालिक 150 सवालात के जवाबात कल भेज दिए हैं। एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप का दो हफ्ते बाद 21 से 24 जनवरी तक बीजिंग में इजलास होगा, जिससे पाकिस्तान को अमल दरामद रिपोर्ट पर अपना दिफा करने का मौका दिया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्ती सामने आई है कि एफएटीएफ की शराइत पर पूरा उतरने के लिए अहम तरीन कानून साजी मखमसे का शिकार है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर पिछले महीने ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी है हुकूमत, मगर इस सिलसिले के दौरान जो तरमीमी बिल पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन की तरजीहात के दरमियान एक कजिया बन चुकी हैं। मुजवजा तरमीमी कवानीन के तहत हुकूमत बैरून मुल्क से मुलजिमान मुजरिमान और गवाहान की हवालगी शिनाख्त की मालूमात ले सकेगी, मतलूबा दस्तावेजात और शवाहिद जानने के लिए दरख्वास्त कर सकेगी। $10,000 और 15 तोले सोने से जायद बैरून मुल्क ले जाने पर 14 साल तक कैद की सजा होगी, जबकि हुकूमत को किसी भी शहरी के गैर मुल्की बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन की मालूमात हासिल करने के इख्तियारात भी मिल जाएंगे। दोनों बिल्स कौमी असेंबली में अपोजिशन की मुखालफत और मज़ाहमत के बावजूद 83 के मुकाबले में 87 वोट यानी 4 वोटों की बढ़तरी से मंजूर किए गए, लेकिन सेनेट में कायमा कमेटी के मरहले में आते ही तरमीमी कवानीन को सख्त चैलेंजेस और तरामीम का सामना रहा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक की सरबराही में कल सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ, जिसमें मुजवजा $10,000 से जायद की मुल्क के अंदर नकल व हरकत के लिए स्टेट बैंक की पेशगी इजाजत की तरमीम मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दी गई, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग पर तजवीज़ करदा सख्त सजाओं और जुर्मानों में कमी की तरामीम मंजूर कर ली गई। सेक्रेटरी खजाना नवीद कामरान बलोच ने कायमा कमेटी को बताया कि एफएटीएफ की सिफारिशात पर अमल दरामद ना करने की सूरत में पाकिस्तान की तिजारत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी अदायगियों का तवाज़ुन मुतासर हो सकता है। फारूक एच नाइक ने कहा कि गन पॉइंट पर तरमीम कराने की कोशिश ना की जाए। हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल के मुखालिफ नहीं, मगर मुल्क के फायदे के लिए तजावीज़ देना चाहते हैं। सेक्रेटरी खजाना का कहना था कि एफएटीएफ के मुतालबात पर अमल दरामद के सिवा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। $10,000 की शर्त को मंजूर ना किया गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। इस पर सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि अंदरून मुल्क $10,000 से जायद ले जाने पर पाबंदी के कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दिलावर खान ने खदशा जाहिर किया कि इस तरह तो हुकूमत किसी भी सियासतदान पर $10,000 का इल्ज़ाम डालकर गिरफ्तार कर लेगी। इससे पहले अपोजिशन की तर्जमानी करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजवजा कवानीन को पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी करार दिया है और दावा किया है कि इससे हुकूमत बैरून मुल्क से मालूमात हासिल करेगी और उनके मुतालबे पर अपने शहरियों को हवाले भी कर सकती है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक कानून जो पास हुआ था नेशनल असेंबली पे, जिसपे अपोजिशन ने सख्त मुखालफत की, अमेंडमेंट्स भी पेश करने की कोशिश किया, जो हुकूमत क्लेम करती है कि फातिफ के कहने पे पास कर रही है, इतना ख़तरनाक लेजिस्लेशन है जिस पे किसी कोर्ट के कोई पूछे बगैर, कोई ट्रीटी होने के बगैर, इफ देयर इज नो ट्रीटी बिटवीन टू सॉवरेन नेशंस, फिर भी आपका हुकूमत खुद फैसला कर सकता है एक पाकिस्तानी को वहाँ भेजने का, एक पाकिस्तानी का जो इन्फॉर्मेशन है उसके पूछे बगैर, कोई अदालती प्रोसेस फॉलो करने के बगैर किसी दूसरे मकाले को दे सकता है। हम चाहते हैं कि आप फातिफ के जो कंडीशन है हम उन पर पूरे उतरे, लेकिन आप उनके हर डिक्टेशन को नहीं मान सकते हैं। ये लेजिस्लेशन हर पाकिस्तानी को, हर पाकिस्तानी शहरी को दूसरे ममालिक के कानून के लिए वनरेबल छोड़ते हैं। दूसरे ममालिक आपको उठा सकते हैं और हुकूमत उसके साथ दे सकते हैं, आपका कोई
तहफ्फुज़ नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये बहुत ख़तरनाक है। हम इस बिल का सेनेट में भी कोशिश करेंगे कि बेहतरी के अमेंडमेंट्स हम जो जो ना हो सके आज नेशनल असम्बली में वो हो जाए। पार्लियामेंट में हुकूमत का मौकफ है कि अपोजिशन इंतहाई अहम कानून साजी की राह में गैर ज़रूरी रुकावटें डाल रही है। हुकूमत FATF में सितंबर से अब तक 3 अमल दरामद रिपोर्ट्स जमा करा चुकी है। कल हतमी रिपोर्ट जमा कराई है जिस पर फरवरी में पेरिस में होने वाले इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने का फैसला किया जाएगा। ये भी हकीकत है कि FATF ने पाकिस्तान की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवजे से मुतालिक कानून सख्त करने, मुलजिमान को कानून की गिरफ्त में लाने और मुसल्ला तंजीमों के अकाउंट और उनकी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने जैसे इकदाम को सराहा भी है। वफाकी वजीर इक्तसादी उमूर हम्माद अजहर पर इस बात पर पुरअज़्म है कि पाकिस्तान ने FATF की काफ़ी तसल्ली कर दी है और हुकूमत को उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने इकदाम से FATF की मज़ीद तसल्ली कर देगा। पिछली मरतबा भी हमने एक अच्छी रिपोर्ट जमा कराई थी और FATF ने बार बार जो अपनी जवाबी रिपोर्ट थी उसमें जिक्र किया कि पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो डेमोंस्ट्रेट कराई है। मैं समझता हूँ इस मरतबा उससे ज़्यादा मौसर है हमारी रिपोर्ट। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने ट्रांसनेशनल रिस्क को पाकिस्तान के आइडेंटिफाई किया है, ज़्यादा हमने प्रोसिक्यूशन शो की हैं, ज़्यादा हमने इंटर एजेंसी मैकेनिज़म की जो कुव्वत है उसको हमने ज़्यादा शो किया है और जो 27 एक्शन आइटम्स हैं उसमें हर एक पे, चाहे वो पहले पार्शली कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट आइटम हो, मैं समझता हूँ कि हमने एक विजिबल प्रोग्रेस जो है वो हमने डेमोंस्ट्रेट की है। इस दौरानिए में जितना हमने प्रोग्रेस शो की है उससे हमारी तसल्ली है। इससे ज़्यादा प्रोग्रेस इस वक्त में नहीं शो हो सकती थी। मैं समझता हूँ कि FATF भी जब ये रिपोर्ट देखेगा तो उनको भी मज़ीद प्रोग्रेस, पाकिस्तान की सॉलिड प्रोग्रेस जो है इस रिपोर्ट के ज़रिए नज़र आएगी। जी हाँ, एक तरफ हुकूमत इतनी पुरअज़्म है, दूसरी तरफ अपोजिशन के तहफ़ुज़ात हैं, FATF का मामला है, कानून साजी ज़रूर होनी है। क्या होगा आगे बात करेंगे। शब्बी फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेट में कायदे ऐवान और रुकन कायम कमेटी बराए ख़जाना सेनेट के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन FATF का बुनियादी मुतालबा था, कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया, सेनेट की कायमा कमेटी में जो हुकूमत की तजावीज़ थी उस पर एतराज़ लगा दिया गया, उसको मंजूर नहीं किया गया, जिस पर सेक्रेटरी ख़जाना ने दरख्वास्त की कि इन तरमीम को ज़रूर किया जाए वरना FATF में हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं FATF में अपने आप को क्लियर करने की, उसके लिए कितना बड़ा धचका है। देखें, ये कमेटी का इजलास कल हुआ था, परसों भी हुआ था और उसमें मैं कुछ जो मेजॉरिटी मेंबरान थे उनका 90% बल्कि 99% मैं कहूँगा कि बिल पे एग्रीमेंट हो गया था। एक ऐसी शिक थी जिस पे के एग्रीमेंट नहीं हो सका और अभी भी हमारी कोशिश है कि हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें कि वो FATF के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और यहाँ पे हमारे कमेटी के लोगों के लिए भी। एक वो था $10,000 का जो एक कैप लगाया है कि इससे ज़्यादा अमाउंट अगर कोई मुल्क के अंदर लेके फिर रहा हो तो उसकी जो, क्योंकि सज़ाएं जो तजवीज़ हुई हुई हैं वो भी काफ़ी सख्त किस्म की हैं और जो जुर्माना है वो भी सख्त किस्म का है। तो इसलिए इस पे अभी हमारी कोशिशें जारी हैं कि किस तरह से इसको अमाउंट को बढ़ाया जाए या सज़ा को कम किया जाए, बिकॉज जो भी लॉ बनेगा वो सिर्फ एक किसी FATF के लिए नहीं है, वो एप्लीकेबल होगा हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान पे। तो इसलिए कि हम हमारी कमेटी की ये कोशिश थी कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए कि किसी वजह से ये मिसयूज़ भी ना हो सके, ये जो लिमिट जो डाली गई है, और एट द सेम टाइम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमारे से तो वो भी पूरी हो सकें। तो इसलिए ये एक काफ़ी एक डेलिकेट किस्म का वो है जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कल तक जो है तो कोई इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी, क्योंकि सब जो सेनेटर्स की कमेटी के जो मेंबरान थे उनका ये तासुर था कि ये जो है तो कहीं अगर मिसयूज़ हो जाए तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा किसी को भी अप्रिहेंड करने में, क्योंकि अब ये नॉन कॉग्निजेबल से कॉग्निजेबल ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो है इस मनी लॉन्ड्रिंग को, और जो कि ओबीसी मुंसलिक किया गया है टेरर फाइनेंसिंग के साथ। तो इसलिए ये जो एक एस्पेक्ट है कि अगर किसी के साथ
पास $10,000 से ज़्यादा पैसे पकड़े जाएँ फॉरेन करेंसी में विद इन द कंट्री, तो उस वो भी मतलब है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ज़ुमरे में आ सकता है। तो ये इसको इस इम्बैलेंस को हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से वो हम स्ट्रक्चर करें, किस तरह से इसकी कानून साजी करें कि ये न तो मिसयूज़ हो, और दूसरा ये है कि किस तरह से किसी भी शख्स को आप अगर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के उसमें ले आए वो बहुत आसान होगा। ठीक सर, ऑपोजिशन से सर क्या बातचीत हो रही है इस पर, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि डिक्टेशन ना ली जाए, जो कवानीन बैलेंस तरीके से बन सकती हैं, जो होने चाहिए वो हों, मगर उनको भी समझाया जाए, फेटफ को भी समझाया जाए। तो आप ऑपोजिशन के साथ क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का रवैया तो ये लगता है कि वो इन तरामीम को मंजूर करने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। देखें, ये सिर्फ उनकी वो नहीं है, हम खुद मैं मेंबर हूँ, और इस तरह हमारे एक और सेनेटर मोहसिन अजीज़ हैं, वो मेंबर हैं, और हम खुद भी जो है तो इतने इसके वो नहीं थे। ये तो हमारी कोशिश यही है, कमेटी में जब आप कमेटी में बैठते हैं तो उसमें फिर हमारा एक एक बहुत थ्रेड बेयर डिस्कशन होती है, कम अज़ कम सेनेट में। हालाँकि ये नेशनल असम्बली से तो पास हो गया है, तो उन्होंने तो वैसे ही पास कर दिए जिसमें कि अब हमारी कमेटी के लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश, जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम चाहते हैं कि एक बैलेंस आए, और इसके लिए हमें कोई वाया मीडिया ऐसा निकालें जिसमें कि हम अपनी मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमारे यहाँ, जो कि एक जनरल एक तौर तरीका है, बिकॉज हम ना US हैं ना हम यूरोपियन वो हैं, मुल्क ममालिक हैं जहाँ पर कि एक इस्टेब्लिश्ड सिस्टम है, जहाँ पर कि कैश को ले के फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे मुल्क में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। तो हम नहीं चाहते कि किसी को कोई एक उसमें इनोसेंस में भी कोई बंदा अगर कोई $11,000 लेके जा रहा है और उसको अगर कोई पकड़ना चाहे और पकड़ ले, तो उसमें उससे ज़्यादा जो मनी लॉन्ड्रिंग से ज़्यादा जो सख्त वो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग की। तो इसलिए चूँकि हमारे मुल्क की रियलिटीज़ अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट है और ममालिक से, तो ये बनाया तो बुनियादी तौर पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, को कब करने के लिए, और मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत कम है। अब रिपोर्ट जमा करानी है फेटएफ में, 2 हफ्ते बस बाकी बचे हैं, और हम देखते हैं कि जुलाई में जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पराए ख़जाना का इजलास हुआ, असद उमर साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि इस तरह के कवानीन दुनिया के और किसी ममालिक में नहीं है, हमारे साथ ये एक इम्तियाजी किस्म की डिमांड हमसे की जा रही है, वहाँ पर उन्होंने मुखालफत की। आप भी कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है, तो अभी भी ये कोशिश है कि कानून ही पास कराया जाए, यहीं कोई गुंजाइश निकाली जाए, या बाहर वालों को समझाने की ज़रूरत है, उनको कायल करने की ज़रूरत है, क्या सोच क्या है? आई थिंक ये बाहर वालों को समझाने, बिल्कुल देखें जी, हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि इस वक्त जो है तो ये ज़्यादा पॉलिटिकल है बनिस्बत फाइनेंशियल के। हमारी जो वो ममालिक जो कि हमारे जिसमें कि इंडिया सर फहरिस्त है, वो उनकी पूरी कोशिश है कि वो हम पे जिस किस्म की भी हमारे साथ वो ज्यादती कर सकें वो करें। तो लेकिन हमारी इसमें कोई शक नहीं है, और मैं एग्री करता हूँ असद उमर से कि जब हम ये कहते हैं कि ऐसे कवानीन, चूँकि वो उनका लोकली भी वो अप्लाई होंगे, वो कोई ये नहीं है कि ये कानून बाहर के लोगों के लिए बनाया गया है, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री कि हम किस तरह से अपने केस को आर्टिकुलेट करें जिसमें कि हम इस किस्म की हमने भी अपनी मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखना है। तो एट द सेम टाइम हम नहीं चाहते कि सर, इसका बिल्कुल आप भी नहीं चाहते, अपोजिशन भी नहीं चाहती, इम्तियाजी कवानीन भी हैं ये, दूसरे ममालिक में इसकी नज़ीर भी नहीं मिलती। मसला ये है कि हम फाइनल रिपोर्ट भी जमा करा चुके हैं, फेटएफ का मुतालबा भी है, वहाँ पर भी हमारी बातचीत नहीं हुई है, तो मतलब ये कि ये तलवार एक लटकी हुई है और ये पाकिस्तान के लिए एक ख़तरनाक बात है। जी बिल्कुल, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार करें जिससे कि वो भी राज़ी हो जाएं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएं, और हमारे यहाँ पे लोग किसी उसका ना शिकार ना बने। सर आप तो ये कह रहे हैं कि बाहर वालों को समझाने की ज़रूरत है, ये कानून साजी से ज़्यादा पॉलिटिकल मामला है, फिर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा मैकेनिज्म भी बनाए, तो ये कन्फ्यूजन क्यों है सर? नहीं, कन्फ्यूजन कोई नहीं है, पॉलिटिकल कह रहा हूँ, बाहर के मुल्क, यानी ये मसला जिसमें कि हम पे ये तलवार लटकाई गई है फेटएफ की, इसको लोग पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे मुल्क में नहीं, हमारे जो दुश्मन हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। जी, तो इसलिए हम तो यही कह रहे हैं कि हमारा जो केस है हमने इस तरह से लड़ना है कि जिसमें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बुनियादी मकसद ये है, इसको हम इस तरह से देख रहे हैं।
بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.